डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट मैथ को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग एनसीईआरटी के बुक से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नामक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जो एनसीईआरटी के छठे नंबर चैप्टर में है। और हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 तक के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। चलिए अब जरा देखते हैं कि वो कौन सारे क्वेश्चंस थे जिसको हम लोगों ने किया है और कौन सारे क्वेश्चंस है जिसको हम लोगों को आज करना है। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 में अगर बात किया जाए तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक का डिस्कस किया हुआ है। आइए हम लोग आगे चलते हैं, आज क्वेश्चन नंबर 15 से पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहे हैं, हम लोगों को उसका सॉल्यूशन कैसे करना होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, निकाला जाए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x+7 विच इज पैरेलल टू द लाइन। एक बोल रहा है कि एक पैरेलल है लाइन का और एक बोल रहा है परपेंडिकुलर है लाइन का। सबसे पहले ध्यान दीजिए, 15 का जो पहला सवाल बोल रहा है वो क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले एक कर्व है और कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। ये कर्व है और कर्व का इक्वेशन दिया है x² - 2x+7, ये दिया हुआ है। अब पहला सवाल में ये बोल रहा है कि आपको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। भाई ये मान लिया कि टेंजेंट है, ये आपका टेंजेंट है, ये क्या है, टेंजेंट, इसी को ना हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट का हमें इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन निकालना है। ठीक है, अब इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है भाई, तो क्या काम करेंगे कि हमें इक्वेशन निकल जाएगा। हालांकि पहला सवाल में हमें ये दिया हुआ है कि इसी टेंजेंट का एक लाइन है जो पैरेलल है, जो क्या है, पैरेलल है, यानी कि एक और लाइन है जो इस लाइन से देख पा रहे हैं आप, जी हाँ, पैरेलल है। कौन सा, यानी कि जो टेंजेंट का लाइन है वो हमको एक और लाइन से पैरेलल है और उस लाइन का इक्वेशन हमें दिया हुआ है। उस लाइन का इक्वेशन क्या दिया है, पहला में 2x - y, फिर नेक्स्ट +9 = 0। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको इक्वेशन निकालना है इस टेंजेंट का। तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए तो फॉर्मूला पता है, y - y1 = m × x - x1। लेकिन x1 y1 कहां से मिलेगा भाई, ये तो दिक्कत है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहां से आपका x1 और y1 निकल जाएगा, ये रहा x1, ये निकालना है और ये रहा y1, ये निकालना है। फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो हम लोग जानते हैं कि दो लाइन जब पैरेलल होते हैं तो दोनों का स्लोप बराबर होता है। तो सबसे पहले इस लाइन का नाम दे देते हैं AB। तो AB का जो स्लोप होगा वही टेंजेंट का भी स्लोप होगा, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल है। तो यहां पे लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन,
लाइन का इक्वेशन क्या दिया है, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू जीरो। तो कोई भी लाइन का अगर इक्वेशन दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले करते क्या है कि वहां से y का वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे ही अगर हम लोग यहां से y का वैल्यू निकालेंगे, जैसे ही यहां पे हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे तो x वाला जो चीजें हैं, जैसे इससे हम निकालेंगे y का वैल्यू, तो यहां से y का वैल्यू कितना होगा, तो माइनस वाई छोड़ देते हैं और बाकी सबको उधर भेज देते हैं, तो माइनस में 2x और माइनस में 9, और इसलिए माइनस वाई बराबर माइनस कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 9 और माइनस माइनस कट गया, इसलिए y बराबर कितना 2x प्लस 9। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर किसी लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा तो उससे चल के अगर y का मान निकालेंगे तो y का मान निकालते समय जो x का गुणांक होता है वही स्लोप हो जाता है, इसलिए स्लोप ऑफ लाइन एबी, एबी का स्लोप कितना पता चल गया, एबी का स्लोप 2 पता चल गया, यानी कि इस लाइन का हमें स्लोप कितना हो गया, यानी कि m को स्लोप बोलते हैं तो स्लोप हो गया 2। फिर हम जानते हैं कि एबी जो है टेंजेंट के पैरेलल है, तो एबी जो है टेंजेंट के पैरेलल है तो स्लोप तो बराबर होगा, तो फिर लिखेंगे क्या, सिंस मतलब चूंकि टेंजेंट पैरेलल है किसके, तो एबी के, एबी लाइन के पैरेलल है, इसलिए स्लोप का भी टेंजेंट कितना हो जाएगा, इसका भी एम का वैल्यू 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है पैरेलल है, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया 2। क्यों 2, क्योंकि इसका एक दोस्त था जो इसके पैरेलल में था, उसका हम लोग स्लोप निकाल लिए तो उसका भी 2 होगा। अच्छा, जब स्लोप ऑफ टेंजेंट का वैल्यू 2 आ गया तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला भी होता है dy बाई dx, याद है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला dy बाई dx, और कर्व का वैल्यू यहां से देखिए तो y का वैल्यू दिया है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, तो इस y के जगह पे आप उतना ही वैल्यू रख दीजिए, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 बाई dx इज इक्वल टू 2। फिर क्या करना है, यहां से इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2x का डिफरेंशिएशन 2, 7 का तो 0 हो जाएगा, बराबर में कितना 2। यहां से देख पा रहे हैं ये माइनस में 2 है ना भाई, अब ये माइनस में 2 उधर अगर 2 जाता है तो 2x बराबर कितना 4, इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया 2, और जो यही x का वैल्यू आया है 2, यही हो जाएगा x1 का मान 2, देख पा रहे हैं, तो यहां पे हो जाएगा 2 कॉमा, अब फिर x1 का वैल्यू जो 2 आया, फिर से अब y बराबर ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें x का वैल्यू 2 रख के y का मान निकालेंगे, अब ये जो y का मान निकलेगा वो हो जाएगा हम लोगों का y1, ठीक है, तो फिर से मिटाते हैं और लिखते हैं, हम चूंकि मिटा रहे हैं ना, आप उसके नीचे ही लिखते जाइएगा इन चीजों को। अब लिखेंगे x बराबर कितना 2, x बराबर 2, इसलिए y का वैल्यू कितना है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, x के जगह पे 2 रखना है तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 2 प्लस 7, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस 7, तो इसलिए y का वैल्यू कितना हो गया 7, और इसी y का 7 का मतलब ये हुआ कि y1 हो गया 7, ठीक है, यानी कि 2 और 7 हो गया हमें x1 का मान और y1 का मान, तो जब x1 का मान मिल गया,
वाई वन का मान निकल गया और एम का मान निकल गया तो इसका इक्वेशन नहीं निकल जाएगा। टेंजेंट का इक्वेशन निकालना था तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या फार्मूला क्या होगा, तो वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो यहां से सब चीज पता चल गया। तो अब लिखेंगे फाइनली माने अंततः इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फार्मूला क्या, वाई माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब आप यहां पे देख पा रहे हैं कि y का तो y हम लोग छोड़ देते हैं, y1 का वैल्यू कितना है 7, तो y माइनस सेवन, और इसके लिए m का मान कितना आया भाई, तो m का वैल्यू आया 2, तो यहां लिख देंगे 2। x माइनस एक्स वन कितना आया, तो x का जगह पे x छोड़ देंगे और x1 के जगह पे रख देंगे 2। तो अब इसके आगे जो है आप खुद से सॉल्यूशन कर लीजिएगा कि किस रूप में आंसर दिया है, और यहां से हम लोग कर सकते हैं, मतलब इसको 2 से गुना करा दीजिएगा, इधर उधर कीजिएगा तो हम लोगों का ये आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद इसी में दूसरा क्वेश्चन भी बोल रहा है, ये 15 का एक नंबर क्वेश्चन था, 15 का दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है 15 का दूसरा सवाल बोल रहा है कि परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y-15x=13। देखिए सब चीज वही है, यानी कि ये लाइन इस बार पैरेलल था ना, ये पैरेलल नहीं है, कर्व भी वही है, ठीक है, लेकिन इसका m का वैल्यू कुछ और हो जाएगा, अभी हमें पता नहीं है। और इसका टेंजेंट तो यही होगा ना, इस लाइन का टेंजेंट यही है। लेकिन इस बार क्या बोला कि एक जो लाइन ड्रॉ किया गया है इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि इस बार तो पैरेलल था ना, इस बार पैरेलल नहीं है, इस बार लंब है, परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर वाला का इक्वेशन दिया है, कितना दिया है परपेंडिकुलर वाला का, 5y-15x, 5y-15x कितना, तो 5y-15x +13, ठीक है। अब इसका भी नाम पता नहीं है तो इसका नाम रख लीजिए a और इसका नाम दे दीजिए b, यानी कि ab जो है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, यानी कि लंब है, ठीक है। जब इस तरह का सिचुएशन होगा तब हमको एकदम फाइनल पता है कि अब की बार x1 और y1 का दूसरा मान होगा। तो इस बार हमें क्या करना है, सब चीज वही करना है। अब सब चीज वही करना है तो आप समझे इस बात को कि हमें टेंजेंट तो ये है, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, तो टेंजेंट का इक्वेशन कब निकलेगा भाई, जब m का वैल्यू पता हो, x1 का वैल्यू पता हो, y1 का वैल्यू पता हो, यही ना। सबसे पहले इस टेंजेंट का स्लोप पता करने के लिए सबसे पहले आप इस लाइन का AB का आप स्लोप पता करो, जब AB का स्लोप पता हो जाएगा तो इसका स्लोप -1/2 उतना हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां पे लिखो कि गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन AB का इक्वेशन क्या दिया, 5y-15x=13। अब इससे चलते चलते आप y का मान निकालिए और जो y का मान निकलेगा ये हो जाएगा इसका हो जाएगा m1 का वैल्यू, ठीक है, यानी कि m1 निकल जाएगा और इसका निकालने के लिए हमें -1/2 उतना करना पड़ेगा। तो इसका स्लोप निकालिए, तो 5y-15 उधर जाएगा तो 13 +15x,
तो वाई का ना वैल्यू निकाला जाता है, तो वाई का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, वाई इज इक्वल टू 13/5 प्लस 15x/5, 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए इसमें भी इसमें भी, तो y बराबर कितना मिल रहा है 13/5 प्लस 3x। इसलिए देखिए x का गुणांक क्या है यहां पे 3, तो इसलिए बोलेंगे कि स्लोप ऑफ AB का स्लोप कितना आ गया तो 3 आया, यानी कि इसका स्लोप आया 3। तो जब इसका स्लोप 3 आया तो हम इसीलिए M2 यानी कि इसी को हम M भी बोल सकते हैं, टेंजेंट का जो M2 होगा वो कितना होगा -1/3, क्योंकि इस हम लोग जानते हैं ना कि जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होता है तो एक का स्लोप जितना होता है दूसरा -1/3 में चला जाता है, तो इसका स्लोप कितना आया 3, तो टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा -1/3। ठीक है, चलिए जब इसका स्लोप पता हो गया तो हम फिर क्या लिख सकते हैं, सो स्लोप एबी, फिर लिखेगा चूंकि टेंजेंट जो है यहां पे टेंजेंट परपेंडिकुलर है एबी पे, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू कितना, जब परपेंडिकुलर होता है यानी कि लंब होता है तो -1/3 होता है, तो -1/3 यानी कि -1/3 चला जाता है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट का फार्मूला कितना भाई, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का फार्मूला हम लोग dy/dx से भी निकाल सकते हैं, बराबर में -1/3। अब dy/dx का मतलब कितना, जो कर्व का इक्वेशन दिया है, कितना कर्व का इक्वेशन दिया है, x²-2x+7/dx-1/3, इसका डिफरेंशिएशन करके क्या मिलेगा 2x-2 -1/3, तो 3 से इधर गुणा करेंगे तो 3 × 6x-6 = -1। यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि 6x बराबर क्या होगा, तो माइनस में 6 है उधर जाएगा तो प्लस में 6, तो 6x का वैल्यू कितना 5, इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 5/6 आ गया। तो यही ना हो गया हम लोगों का x1 कितना 5/6, यानी कि इस x1 के जगह पे यहां पे 5/6 आ गया। जब x का वैल्यू जितना आया उसमें अगर इसमें रखेंगे तो y का वैल्यू पता चल जाएगा, यानी कि x का वैल्यू जितना आया अब क्या करेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग पुट करेंगे। अब लिखेंगे नाउ एट x बराबर कितना 5/6, फिर लिखेंगे एट x बराबर 5/6 पे चलेंगे तो चूंकि y का वैल्यू कितना भाई x²-2x+7, तो x² यानी कि 5/6 का स्क्वायर माइनस 2 × 5/6 + 7, तो 5×25 = 36 माइनस 2 से 3 बार में कटेगा तो 5/3 प्लस 7 को 7/1 लिख सकते हैं, 36 और 3 का एलसीएम 36, यहां हो जाएगा 25, यहां हो जाएगा 12 + 36 ना, तो यहां हो जाएगा 60 प्लस 7×6 = 42 की 2 हाथ में 4, 17×21 = 25, 252। अब यहां पे देख पा रहे होंगे आप किसको जोड़ेंगे तो 5 × 2 = 7, 5 × 2 = 7, 277 में से 60 गया और 36/2 तो कितना बन गया 217/36। तो कहीं गलती तो नहीं निकल रहा है, देख लेते हैं एक बार, x1 का वैल्यू 5/6 ठीक है,
तो 5/6 रखें तो एक्स स्क्वायर ठीक है 25/36 माइनस 2 × 6 5/3 और प्लस में कितना 7 तो 36 और 3 का एलसीएम 36 तो यहां हो जाएगा 25 12×5=60 7×6=42 के दो हाथ में 4 17 बहुत बढ़िया इसको इसको जोड़ दिया तो 5×2=7 2 × 5=7 और 2 − 7 7 में से 0 गया 7 7 में से 6 गया 1 हाँ जी बिल्कुल सही। अब देख पा रहे होंगे कि ये कट रहा है क्या किसी से किसी से शायद नहीं कटेगा ठीक ना तो जब नहीं कटेगा तो हम लोग ये हो जाएगा y1 का वैल्यू यानी कि y1 का वैल्यू कितना आ गया भाई तो 217/36 ठीक है 217/36। अब इसका क्या करना है फिर लिखिएगा फाइनली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है ना तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्या फार्मूला होगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो फार्मूला होगा वो यही ना y − y1 = m × x − x1 तो क्या करना है y का y छोड़ देना है माइनस y1 का वैल्यू कितना भाई तो 217/36 = m m माने कौन सा टेंजेंट का निकाल रहे तो टेंजेंट का m कितना है −1/3 एक्स माइनस x1 कितना है 5/6 तो क्या करना है भाई आपको इससे चलते चलते एक इक्वेशन बना लेना है और देखिएगा फिर हम लोगों को आंसर किस रूप में है जैसे उसको तोड़ देंगे y माइनस 217/36 फिर इसको गुणा करेंगे तो −x/3 −- प्लस 5/6 = 18 देख लीजिएगा हम लोग इधर उधर करके और किस रूप में आंसर दिया है उस रूप में इसको लाने का प्रयास कीजिएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 15 ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y बराबर 7x³ + 11 एट द पॉइंट x = 2 and x = −2 आर पैरेलल। देखिए हमें क्या बोल रहा है कि एक टेंजेंट है और वो टेंजेंट एक कर्व पे है ठीक है एक कर्व पे है। तो सबसे पहला सवाल कि एक कर्व है और कर्व का इक्वेशन दिया है y बराबर कितना दिया है भाई तो 7x³ + 11 ठीक है 7x³ + 11। अब ये किसी कर्व का हमें इक्वेशन दिया हुआ है इस इक्वेशन के बारे में बोल रहा है कि ऑल द पॉइंट सॉरी सो दैट हमें सो करना है कि इसका जो टेंजेंट है ना x = 2 and x = −2 पैरेलल है यानी कि हमें प्रूफ करना है कि x ये है और एक ये है दोनों लाइंस क्या है पैरेलल है ऐसा हमें प्रूफ करना है ये हमें प्रूफ करना है। इस लाइन का नहीं पता नाम इसका ए नाम दे दीजिए इसका भी तो लाइन हो गया ए बी ये तो टेंजेंट है ठीक है। तो यहां पे हम सवाल में क्या बोल रहे हैं वी हैव टू प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है भाई कि टेंजेंट जो है ए बी के पैरेलल है। तो आप समझो
कि कभी भी दो लाइन पैरेलल कब होता है, दो लाइन पैरेलल कब होता है, जब दोनों का स्लोप बराबर हो जाए, है ना, जब दोनों का स्लोप इक्वल हो जाए तब हम बोलेंगे कि क्या है, तो दोनों इक्वल है यानी सॉरी पैरेलल है। तो आप सबसे लिखिए, सबसे पहले चूंकि गिवन है हमें, क्या गिवन है भाई, y का वैल्यू दिया हुआ है 7x³ + 11। तो जब 7x³ + 11 है तो इससे हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ना, हाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब dy/dx। तो y का वैल्यू कितना, 7x³ + 11 बट्टा में dx। तो यहां पे 7x³ का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 7 3 21, तो यानी कि 21x² बस ना, क्योंकि 11 का तो जीरो हो जाएगा, तो इसका स्लोप कितना हुआ, 21x². अब जो स्लोप हो गया, हमें ये चेक करना है कि दोनों पैरेलल होंगे किस किस पॉइंट पे, तो 2 पे और -2 पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अब हम लोग चेक करेंगे एट x = 2, एट x = 2, तो x = 2 पे अगर dy/dx कितना आएगा, तो dy/dx 21 का x² यानी 21 × x का वैल्यू कितना, तो 2, तो 2 का स्क्वायर और 21 × 4 यानी कि 84, ठीक है। जब हम लोग 2 पे चेक किए तो कितना स्लोप आया, dy/dx का मतलब स्लोप ना, 84। लेकिन अब जरा हम लोग -2 पे चेक करते हैं कि कितना आता है, अगर दोनों तभी बराबर हो पाए, सर दोनों पैरेलल तभी होगा जब दोनों का स्लोप इक्वल होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े कि दो लाइन जब पैरेलल होते हैं तो दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो दोनों को पैरेलल प्रूफ करने के लिए स्लोप को इक्वल दिखाना होगा, तो उसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, एट x = -2, तो x अगर -2 पे करेंगे तो इसलिए हम लोगों को dy/dx क्या होगा, 21x² यानी 21 × x². तो इस बार कितना रखना है x के जगह पे, -2 का स्क्वायर यानी 21 × 4 दैट मीन्स 84। जी हाँ बिल्कुल, आप देख पा रहे होंगे कि दोनों ही केस में हम लोगों का जो स्लोप है इक्वल आ गया। तो दोनों का स्लोप अगर इक्वल आ गया इट मीन्स हम लोगों को क्या हो गया, hence अतः या इस प्रकार हमें जो यहां पे टेंजेंट है वो AB के पैरेलल प्रूव्ड हो चुका है। तो इस तरह के हम लोग इस तरह से क्वेश्चन नंबर ये जो कितना है 16 इसको हम लोग करेंगे। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इस तरीके से बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, तो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y = x³, ठीक है, एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। यानी बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट, पॉइंट निकालना है राइट। अब y का वैल्यू तो x³ दिया हुआ है, एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी कि जो स्लोप होगा टेंजेंट का वो y कोऑर्डिनेट्स के इक्वल होगा, ठीक है। जरा हम लोग समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 17 नंबर को।
इसमें बोल रहा है कि एक कर्व है, ठीक है। अब इस कर्व पे, ये जो कर्व है, ये कर्व का इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू एक्स क्यू, ये एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, y बराबर x के पावर 3। एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब मान लिया कि किसी ना किसी पॉइंट पे तो ये, किसी ना किसी पॉइंट पे तो, किसी ना किसी पॉइंट पे तो ये टच करके टेंजेंट निकलेगा भाई, ये टेंजेंट है तो किसी ना किसी पॉइंट पे तो ये टच करके निकलेगा। अब ये कोई टेंजेंट है, अब इसका पॉइंट नहीं पता हमें, वही पॉइंट पता करना है। तो इसका पॉइंट मान लो अभी एक्स वन और वाई वन, फिर क्या बोला कि उस टेंजेंट का स्लोप उतना ही होगा जितना इसका वाई कोऑर्डिनेट रहेगा, यानी कि इसको तो एक्स निर्देशांक बोलते हैं, एक्स में जो रहता है, और जो यहां वाई वन है वो क्या है, वाई निर्देशांक है। तो कुल मिलाकर यहां पे ये बोला जा रहा है कि जो टेंजेंट हम खींचे हैं इसका एम का मान वही होगा जो यहां पे वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक का मतलब y1, यानी कि m का वैल्यू क्या आ गया, y1 आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझो कि टेंजेंट का स्लोप दे दिया y1, और पॉइंट भी है x1 y1 हम माने हुए हैं, और टेंजेंट ये है और ये y बराबर x क्यू है। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे गिव है y बराबर x क्यू, तो जब y बराबर एक्स क्यू है, y बराबर एक्स क्यू है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या भाई, dy by dx, ठीक है। तो dy by dx कितना आया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो अभी हमें सवाल में लिखा हुआ है y1, तो ये हो गया y1 इज इक्वल टू dy by dx, तो dy by dx का मतलब एक्स का क्यू बटा डीएक्स। इसलिए यहां पे वाई वन का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक होगा ना, यानी कि वाई वन के जगह पे हम कितना रख सकते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर रख सकते हैं। अब जब वाई वन का वैल्यू थ्री एक्स स्क्वायर हो गया, यानी कि इसका जो स्लोप था, किसका स्लोप, तो टेंजेंट का स्लोप कितना y1 था, तो टेंजेंट का स्लोप y1 रख दिए, यानी कि जो टेंजेंट का स्लोप आएगा वो 3x स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, फिर अगर बात करें तो नाउ चूंकि y बराबर क्या है हमें, x क्यू, तो y बराबर x क्यू है, इसमें हियर y के जगह पे अगर y1 रखें, क्यों, क्योंकि यहां पे x निर्देशांक x1 है, y निर्देशांक y1 है, तो y के जगह पे तो हम लोग y1 रख सकते हैं भाई। तो अगर y के जगह पे y1 रखेंगे तो यहां पे, इसलिए y के जगह पे y1 रखेंगे तो यहां बन रहा है y1 बराबर x का q, दैट इज इक्वेशन नंबर टू। अब इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को देखिए, तो LHS क्या है, इक्वल है, तो जब LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होता है, इक्वल होता है। हम लोग मैथ्स के प्रॉपर्टीज को सीखे हुए हैं कि जब कभी भी दो समीकरण का एक पक्ष कोई भी बराबर हो तो दूसरा पक्ष ऑलरेडी बराबर हो जाता है। तो यहां पे हम लोग अब क्या करेंगे, समीकरण फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से देखेंगे तो LHS का वैल्यू इक्वल है, इसलिए RHS का भी वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां लिख देंगे
थ्री एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब, ठीक है। अब यहां से हम लोग बात करेंगे तो ये एक्स क्यूब को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बराबर जीरो। अब यहां से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर है यहाँ, एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ थ्री माइनस एक्स बराबर जीरो। तो इसको हम लोग गुणनखंड लेते हैं तो दो पार्ट में तोड़ते हैं ना भाई, चलो भाई दो पार्ट में तोड़ लो। तो यहां पे हम लोग दो पार्ट में तोड़ लिए, एक कौन सा, तो एक्स स्क्वायर बराबर जीरो और एक थ्री माइनस एक्स बराबर जीरो। तो एक्स स्क्वायर बराबर जीरो है इसलिए हम लोग एक्स बराबर कितना लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। और जब थ्री माइनस एक्स बराबर जीरो है तो थ्री बराबर क्या हो सकता है, एक्स, इसलिए एक्स बराबर थ्री। अब हमें पॉइंट पता करना है, तो पहली बार हम एक्स की जगह पे कितना रख सकते हैं, जीरो, और दूसरी बार में हम लोग एक्स की जगह पे कितना रख सकते हैं, तीन। तो हम लोग बारी बारी से पॉइंट को ज्ञात करने के लिए एक बार जीरो रखेंगे और फिर तीन रखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जीरो रखते हैं, तो अब लिखेंगे एट एट एक्स बराबर जीरो, ठीक है। एक्स बराबर जब जीरो लेंगे तो चूंकि वाई का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू एक्स क्यूब, तो एक्स के जगह पर कितना रखेंगे, जीरो, तो जीरो का पावर तीन होता है जीरो। इसलिए हम लोगों का जो पहला पॉइंट मिला, एक्स के जगह पे जीरो तो वाई के जगह पे भी क्या, जीरो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक आंसर ये हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, तो एट एक्स बराबर इस बार रखेंगे तीन, तो तीन पर जो हम लोग वाई का वैल्यू आएगा तो तीन का क्यों कितना होगा, तो तीन पर सताइस होगा, तो तीन और सताइस दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसका काम खुद से कर लीजिएगा। तो कुल मिलाकर ये क्वेश्चन नंबर 17 था जो हम लोगों को ज्ञात हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्या बोल रहा है 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18, देखा जाए क्वेश्चन तो कुछ इस तरीके से बोल रहा है, फाइंड द कर्व फॉर द कर्व सॉरी वाई बराबर फोर एक्स क्यूब माइनस टू एक्स के पावर फाइव फोर, फाइंड द ऑल पॉइंट एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन, ठीक है। यानी बोला जा रहा है कि फाइंड द कर्व फॉर द कर्व फाइंड ऑल द पॉइंट्स, हमें पॉइंट्स याद करना है जो फॉर ऑल पॉइंट द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन, यानी कि वो ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, ओरिजिन से पास कर रहा है। सबसे पहले एक कर्व बनाते हैं क्योंकि 18 नंबर में एक कर्व दिया है, एक कर्व दिया है भाई। कर्व का इक्वेशन क्या दिया है, 4x क्यूब माइनस 2x के पावर 4x क्यूब माइनस 2x के पावर 5, ठीक है। अब इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, अब कोई टेंजेंट है भाई, हमको पता नहीं है वो टेंजेंट है क्या, हम यहां पे मान लिए ये टेंजेंट, ठीक है, ये स्पर्श रेखा है, ये टेंजेंट है, ये है क्या, टेंजेंट, ठीक है। अब ये टेंजेंट जो है किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो जैसे मान लीजिए इसको आगे भी बढ़ाया जा रहा होगा तो एक ओरिजिन से पास कर रहा होगा, और ओरिजिन का मतलब होता है मूल बिंदु, ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है जीरो जीरो, पता है ना। तो अभी हमें पता नहीं कि वो तीर जब चलते रहेगा तो कहीं से भी पास कर सकता है, तो ये बोला कि ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक हमें पता है जीरो जीरो होता है। फिर बोला कि आप ये वाला पॉइंट ज्ञात करो, तो इस पॉइंट को तो हमको पता नहीं है,
हम मान लिए फिलहाल एक्स वन और वाई वन, एक्स वन और वाई वन। अब हमें यही पॉइंट मालूम करना है। सबसे पहले आप ये पता करो कि टेंजेंट का तो दो गो पॉइंट पता है, ये और ये, तो टेंजेंट का स्लोप कितना होगा। जब दो गो पॉइंट हमें पता रहता है तो फॉर्मूला जानते हैं ना, वाई टू माइनस वाई वन बटा एक्स टू माइनस एक्स वन। कब? जब किसी भी लाइन का दो पॉइंट्स पता हो। तो हम लोगों का तो दो पॉइंट्स पता है, तो इसलिए अब हम लोग यहां पे काम करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? एक फार्मूला होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ये फार्मूला होता है। लेकिन उसके नीचे का अगर बात करें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का एक और फार्मूला होता है dy बाय dx। और ये टेंजेंट का मतलब एक लाइन है ना, और लाइन का दो पॉइंट्स पता है, इसलिए हम यहां यह वाला ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो y2 के जगह पे कितना है? y1 माइनस जीरो, x2 माइनस x1, तो x2 के जगह पे x1 है और x1 के जगह पे जीरो है। तो टोटल मिलाकर यहां dy बाय dx, तो dy बाय dx का मतलब 4x क्यू माइनस 2x के पावर 4 बटे में dx y1 बटा x1, ठीक है, y1 बटा x1। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, चार ती आई 12 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स के पावर 4 इज इक्वल टू वाई वन बटा एक्स वन होगा। अब यहां से हमें पता करना होगा कि इस वाई वन बाई एक्स वन का जो वैल्यू होगा उसमें, यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो वाई वन बटा एक्स वन है, वाई वन बटा एक्स वन है, वो किसके इक्वल है? तो 12 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स के पावर 4। अब अगर इस y के जगह पे देख पा रहे, इस y के जगह पे अगर हम लोग वही चीजें रख दें, जैसे मान लिया कि इस y1 का जगह पे हम लोग देखिए ये जो y1 है ना, तो y1 का वैल्यू निकाल लेंगे कैसे, तो x1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो x1 12 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स के पावर 4 ब्रैकेट में y1, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि x1 जो रोल निभाता है वो x एक्सिस का रोल निभाता है, y1 जो रोल निभाता है वो y का रोल निभाता है। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सिचुएशन में x1 के जगह पे x रखना है और y1 कहां रखना है, तो y के जगह पे रख सकते हैं ना भाई। x1 के जगह पे क्या रख सकते हैं? x, और y1 के जगह पे क्या रख सकते हैं? y। तो इस तरीके को अगर फॉलो किया जाए तो x1 का मतलब क्या समझना है? सिर्फ x समझना है, और मल्टीप्लाई करेंगे 12x स्क्वायर माइनस 10 एक्स के पावर 4 बराबर वाई। तो यहां से हम लोगों को देखिए, एक्स जहां जहां एक्स वन था वाई वन था वहां पे हम एक्स रख दिए और वाई रख दिए, तो यहां पे क्या मिल रहा है जरा देखिए, 12 एक्स का क्यूब 2 और 1 3 माइनस 10 एक्स के पावर 5 बराबर में कितना? वाई। दैट इज समीकरण नंबर 1, दैट इज समीकरण नंबर 1। फिर क्या करना है, चूंकि चूंकि हमें सवाल गिवन है कितना, y बराबर 4x क्यूब माइनस 2x के पावर 5, ये सवाल क्या है, गिवन है, इसलिए इसको हम लोग पहले इसको लिख सकते हैं, मतलब 4x क्यू माइनस 2x के पावर 5 बराबर y लिख सकते हैं। इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब कोई फर्क नहीं पड़ा
तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, समीकरण नंबर दो लिख सकते हैं ना भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। देख पा रहे होंगे ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर वन और दैट इज इक्वेशन नंबर टू। तो ये इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू से आप देख पा रहे होंगे कि दाहिने साइड वाला वाई और वाई क्या है, इक्वल है। तो जब दाहिने साइड वाला जब वाई इक्वल होता है तो बाएं साइड वाला इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, दोनों इक्वेशन से चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आरएचएस तो ऑलरेडी इक्वल है इसलिए एलएचएस इक्वल होगा, मतलब 4x का क्यूब माइनस 2x के पावर 5 इज इक्वल टू 12x क्यूब माइनस 10x के पावर 5। जब हम इसको इधर करेंगे एक साइड तो बनेगा 4x क्यूब, ये प्लस है तो माइनस 12x क्यूब, ये माइनस 2x के पावर 5, ये माइनस है तो प्लस 10x के पावर 5 इक्वल टू 0। देख पा रहे होंगे कि क्या क्या कॉमन है, पहले जोड़ लेते हैं 4x में से माइनस 12x तो माइनस 8x का क्यूब, माइनस 2 है और प्लस है तो प्लस 8x के पावर 5 इक्वल टू 0। क्या कॉमन हो रहा है भाई, तो 8x का क्यूब दोनों तरफ कॉमन है, कॉमन कर लिया तो 8x क्यूब का कॉमन करेंगे तो यहां कितना बचेगा माइनस 1 और प्लस यहां पे कितना बन रहा है, तो यहां पे बन रहा है x का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे हम लोग कितने पार्ट्स में तोड़ सकते हैं इसको, गुणनखंड आया तो इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। अब दो पार्ट्स में कौन कौन सा तोड़ सकते हैं जरा यहां पे देखिए, जब दो पार्ट्स में तोड़ेंगे दोस्तों एक पार्ट्स बनेगा कौन सा 8x क्यूब बराबर 0 और एक तो इतना बराबर 0 यानी कि माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि x क्यूब का वैल्यू कितना हो जाता है, तो 0 में जब 8 से डिवाइड करेंगे तो x क्यूब का वैल्यू कितना 0, इसलिए x का वैल्यू बन गया 0। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, ये माइनस 1 है उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 1, माइनस उधर गया तो प्लस 1 और एक्स बराबर इधर स्क्वायर है ना रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस में हो जाएगा, यानी कि यहां पे भी दो गो आंसर, एक्स बराबर एक गो सिर्फ प्लस 1 और एक गो एक्स बराबर माइनस 1, यानी कि टोटल मिलाकर हमें तीन गो पॉइंट मिला एक्स का, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर माइनस 1। तो अब हम करेंगे क्या सिंपल, तो x बराबर 0 पे रख के जहां जहां x है इसके जगह पे आप 0 रखिए और फिर y का वैल्यू निकालिए। तो अब हम लोग एक पॉइंट को चेक करके दिखा देते हैं कि हम लोग कैसे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, यहां पे देख पा रहे होंगे चूंकि एट x बराबर 0, ठीक है x बराबर 0 पे y का वैल्यू निकालिए, तो x बराबर 0 पे हम लोगों को क्या निकलेगा, चूंकि y बराबर 4x का क्यूब माइनस 2x के पावर 5, तो जहां जहां x है वहां पे 0 रखना है तो यहां पे 0 के पावर 5 तो 0 माइनस 0 यानी कि टोटल 0। तो x का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 0, एक आंसर हो गया। वैसे ही अब की बार क्या करेंगे, तो एट एक्स बराबर 1 रखेंगे, कितना रखेंगे एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जब एट x इज इक्वल टू 1 रखेंगे सिंपल, तो x बराबर अगर 1 रखेंगे तो यहां पे हम लोग 1 का क्यूब करेंगे और यहां पे भी 1 का पावर 5 करेंगे, तो यहां टोटल मिलाकर 4 गुना 1 4 हो जाएगा माइनस 2, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो x का वैल्यू 1 रखने पे 2 आ जा रहा है तो दूसरा आंसर हो जाएगा 1 2। इसी तरीके से तीसरा भी आप खुद निकाल सकते हैं इसका वैल्यू कि हमें इसका आंसर कितना आने वाला है। ठीक है,
तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 को डिस्कस किया। हालांकि आज तीन ही क्वेश्चन हो पाया क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चंस थे तो करने में थोड़ा सा वक्त लग गया। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक धन्यवाद।